गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज मुझे भी सोपुर जाना था लेकिन हम और कहीं फंस गए थे, नहीं आ पाए। फिर क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ रिमर्स लोग फैला रहे हैं, कुछ गलत वीडियो जारी कर रहे हैं, उससे यहाँ की पीस में सोशल या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने की संभावना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आके आप लोगों से बात करूँ। आज मॉर्निंग में 7:30 में दिल्ली की तरह जब CRP जा रही थी वहाँ पर नाका लगाने के लिए मॉडल टाउन शोपुर में, और जो ज्वाइंट नाका डेली होता है पुलिस और CRPA का, तो जिस टाइम में CRPA के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें CRPF के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे, उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था, वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। लोगों ने गलत फैलाया, खास के मिसक्रियंट लोग हैं, और मिसक्रियंट के डर से, मिलिटेंट के डर से उसका बेटा भी एक वीडियो जारी किया जो सरासर गलत है। इनफैक्ट कि मैं पुलिस का SHO का बहुत मैं इसको इनकरेज करूँगा, या मैं ये आप लोग बताना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपनी जान को हथेली में डाल के फायरिंग के बीच में जाके बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया। लोगों को, उनके फैमिली मेम्बर को, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस की सेक्शन को। सबसे बड़ी बात जो है इसमें है कि पिछले मैं एक महीना में देख रहा हूँ कि 2 ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जिसमें टेररिस्ट ने हमारे मस्जिद का मिसयूज किया है। पामपोर में LET के 2 मिलिटेंट मस्जिद में चले गए, हम लोग बहुत ढंग से रेस्ट्रेंथ किए, वेट किए और बिना कुछ फायर किए उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। आज फिर सुबह मॉर्निंग में जो लश्कर तोवा के 2 मिलिटेंट, जिसे एक उस्मान भाई है, पाकिस्तानी है, एक लोकल मिलिटेंट है नासिर, दोनों मस्जिद में घुस के मस्जिद से फायर किया। जब पुलिस पार्टी मस्जिद के अंदर गई तो उसमें से 2 मैगजीन उन्होंने रिसीव किया, वहाँ पर रिकवर किया, एक भरा हुआ मैगजीन था, एक आधा खाली मैगजीन था, और दोनों वहाँ से फायर करते थे भागा। इस ढंग से मैं आवाम से, खास करके अफकाब कमेटी के मेंबर से कहता हूँ, मस्जिद कमेटी के, इंजमिया कमेटी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलिटेंट को प्रेशराइज करें, उनको समझाए कि मस्जिद का किसी भी रिलीज प्लेस का यूज नहीं करे। दूसरी बात है कि मिलिटेंट्स बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। बिजबहरा में देखे, आसोपुर में देखे, जहाँ भी सिविल के मूवमेंट होता है, चाहे बूढ़ा हो बच्चा को, वहाँ भी एक सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर फायरिंग करता है। मिलिटेंट्स जानबूझ के करता है ऐसा काम कि लोग पुलिस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ रोड पर आए, एक मिसकंसेप्शन फैला हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, और आने वाले दिन में हो सकता है इस टाइप की कार्रवाई मिलिटेंट और करे। उनका एक ही मकसद है कि किसी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को खराब करना, और इनकाउंटर साइट पर लोग पथराव शुरू करें कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को अपने काम करने में दिक्कत हो, ये जानबूझ के कर रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इस अफवाह पर ध्यान दें। आज मैंने जानबूझ के सोपुर में इंटरनेट को नहीं बंद किया कि मैं रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ। आज मैंने देखा कि जो इंटरनेट को नहीं बंद किया तो किस ढंग से अफवाह शुरू हो गया, वहाँ से लोग वीडियो बना के भेजना शुरू कर दिया। अगर हम मॉर्निंग में हम इंटरनेट को वहाँ से डाउन करते 7:30 बजे तो शायद इतना नहीं होता है। फिर भी मैं उनके फैमिली मेंबर का गुजार रहा हूँ कि जो सोपुर टाउन में है, उसका बेटा जो वीडियो रिलीज किया है उस नगर में आसपास कहीं है, खुद मौका पर नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग खुद पूछें कि जो उसका बेटा वीडियो रिलीज किया है, क्या मौका पर था? क्या वो आई विटनेस है? क्या उनकी सिस्टर जो बोल रही है, क्या वो वहाँ पर मौका पर थी? मौका पर जो अगर कोई भी सिविलियन अगर वहाँ पर देखा हो, बोल सामने आए कि CRPF ने ऐसा किया है, तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये टोटल झूठ है, यह अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं और जो लॉ एंड प्रॉब्लम को खराब करने की बात है। कल रात में हम लोग होपफुल थे कि 3 मिलिटेंट को हम लोग कॉर्डन करके, इनिशियल करीब आधा घंटा फायरिंग हुआ, इनिशियल हम लोग 3 घर को कॉर्डन किए थे, बाद में 17 हाउसेस को कॉर्डन में लाए, और अभी तक लगभग 15-16 घर सर्च हो चुका है, 2-3 घर बाकी रह गया, उसको दोबारा सर्च करेंगे। 2 संभावना है, या तो इनिशियल फायरिंग के टाइम भाग गया हो, या किसी इस घर में हाइडेड हो, उसके अंदर हो, इसलिए अभी हम लोग कॉर्डन को नहीं हटा रहे हैं, कॉर्डन जारी रखेंगे और उसको दोबारा सर्च करेंगे।